हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेलर वर्क सिक्की में एक न्यू वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज ट्राउजर पे रखे ट्राउजर कैसे कट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और वीडियो को कहीं से भी आपको कटआउट नहीं करना है। तो ये जो ट्राउजर काट रहा हूँ, ये पजामा, ये है हमारे 2 साल के बच्चे का, तो मैं इसके अकॉर्डिंग ही इसको कट करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये मेरा वाला पजामा है जिस नाप का मुझे बनाना है, और ये जो मैंने कपड़ा लिया है, ये लिया है मैंने आधा मीटर, यानी आधा मीटर में 2 साल के बच्चे का आराम से हो जाएगा, चाहे वो हेल्दी हो या स्लिम हो। तो मैंने ये आधा मीटर कपड़ा ले लिया है नीले कलर का, और ये कपड़ा लिया है मैंने कॉटन का, क्योंकि कॉटन में बहुत अच्छा हमारा पजामा बनता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर रखा है, मैंने इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया, और मैंने इसको, ये मेरे 2 भागे 1 और 2, और इसका अर्ज जो था हमारा 1.25 मीटर का अर्ज का कपड़ा है, यानी इसका अर्ज जो है बड़ा है। तो मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, ये मेरे 2 भागे, और फिर मैंने इसको इस तरीके से और एक बार फोल्ड कर लिया है, यानी मेरे दोनों पाइचे रेडी हैं। और ये इस साइड से जो है हमारा बंद वाला साइड रहेगा इस साइड को, और आसन वाला साइड जो रहेगा वो रहेगा हमारा खुला हुआ, जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा साइड खुला हुआ है। तो जो भी आपको नाप का ट्राउजर बनाना है बच्चे का, उसको आप ले लीजिए, उस ट्राउजर को इसके ऊपर अच्छे से आप सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद हमें ऊपर से एक्स्ट्रा मार्जिन भी छोड़ना है इलास्टिक के लिए, तो आप इसको इस तरीके से ना रखें, इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा 2.5 मीटर करीब एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। तो आप स्केल की मदद से हमें लाइनों को पहले तो स्ट्रेट कर देंगे, यहाँ से जैसे ये ब्लैक वाली लाइन है इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे, इस वाली लाइन को हमने सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद हमें इसमें हमने गैदर भी डालना है, तो मैं जो गैदर के लिए मैं इसको लूँगा 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मैं इस लाइन को भी सीधा कर दूंगा स्ट्रेट। तो यानी हमारा ऊपर का जो पोजीशन है बिल्कुल हमारा रेडी है। तो अब नीचे से हम इसको लाइन को भी सीधा कर लेते हैं। अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो आप इसमें थोड़ा बढ़ा सकते हो, मैं इसमें थोड़ा 1/2 इंच बढ़ा रहा हूँ लंबाई, तो मैं इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद जितना भी हमें इसको फोल्डिंग के लिए छोड़ना है उतना हम ले लेंगे। तो मैंने फोल्डिंग के लिए इसमें 1 इंच लिया है, अगर आप चाहो तो इसमें चौड़ा भी छोड़ सकते हो, और ये मैंने फोल्डिंग के लिए छोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे, क्योंकि हमारा आसन क्या पोजीशन है तो इसको हमें अच्छे से सेट करना है। तो यहाँ से तो हम इसको हल्के हल्के इतना इतना एक्स्ट्रा लेंगे कि हमारी इसमें एक एक पैर की सिलाई आराम से आ जाए, और ये वाली जो लाइन है यहाँ से हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से हमने एक्स्ट्रा नहीं लेना है, ऊपर की साइड हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो ये वाली जो है हमारी कटिंग होगी यहाँ पे, और एक पैर की जब हम सिलाई मारेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब ये वाली जो लाइन है हमें इसके अकॉर्डिंग ही इसको ऊपर ड्रॉ करना है, बिल्कुल कोने कोने पे ले जाते हुए। हमने यहाँ से स्टिचिंग वाली सिलाई की भी हमने लाइन कर लिया है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो एक्स्ट्रा छोड़ेंगे 1/2 इंच, ये हमारा एक्स्ट्रा वाला मार्जिन हो गया। तो ये हमने ट्राउजर पे रख के ट्राउजर को कट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से तो हमने इतना कट कर लेना है, अगर आपको चौड़ा वाला इलास्टिक और डालना है तो आप डाल सकते हो, और ये वाली जो है हमारी कटिंग की लाइन है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम इसको कट कर लेंगे, और ये हमारा कट हो चुका है। अब यहाँ पे भी हम इसको क्या करेंगे, कट लगा देंगे, क्योंकि हमारा गैदर वाला हिस्सा है, यहाँ पे हमें कट लगाना है, और नीचे जहाँ हमें फोल्ड करना है वहाँ पे भी हम कटआउट कर देंगे। ये हमें फोल्ड जो करना है, ये कट लगाने से हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। यहाँ पे भी हम एक कट लगा देते हैं जहाँ पे हमें फोल्ड करना है, और ये जो हमने कट लगाया है इसके अकॉर्डिंग ही हम पीछे की साइड भी दूसरे पाइचे पे भी निशान ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी स्टिचिंग के टाइम। ये हमारे दोनों पाइचे जो है कट हो चुके हैं, तो मैं आपको इसको सीधा रखता हूँ। तो आप देख सकते हो ये हमारे ट्राउजर पे कटिंग हो गई है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग भी करते हैं, दोनों पाइचों को इसके ऊपर हम रख देते हैं। हमने दोनों पाइचों को इसके ऊपर रख दिया है, अब हम इसमें सिलाई कर लेते हैं, एक एक पैर की सिलाई हम इसको कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा बूट जो है बिल्कुल हमारा परफेक्ट आ रहा है, तो यहाँ से हम ऊपर की साइड को सिलाई पक्का कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा दी है, अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस तरीके से सीधा कर देंगे, और इसके ऊपर एक पैर की सिलाई ऊपर की साइड से हम मार देंगे, इसमें और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी। उसको यहाँ से हम कट कर लेंगे, जैसे कि हमने इस साइड का आसन जोड़ा है, दूसरी साइड का भी आसन हम इसी तरह ही जोड़ लेंगे। तो हमने दोनों साइड का आसन जोड़ लिया है, जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम नीचे की साइड इसको हम फोल्ड कर लेंगे।
तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला कट मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस कट के से हमें इस तरीके से ही फोल्ड करना है। हमने नीचे की साइड भी फोल्ड कर लिया है। अब जो हमें इसकी जो निशान लगे हैं इसके अकॉर्डिंग ही हमें आप इसमें फिटिंग का निशान लगा लेना है। नीचे से सिलाई को हमें मजबूत कर लेना है, उसको आसन को दोनों को जोड़ लेना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारे आसन वाली सिलाई होती है बिल्कुल हमारे बीच में आनी चाहिए, तो इससे और हमारी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। और जब भी आप आसन के साइड लेके आओ इस साइड इसके बिल्कुल बीच वाले सिरे पे, तो यहाँ पे हमें सिलाई को थोड़ा मजबूत तरीके से कर लेना चाहिए, क्योंकि ये साइड हमारी सबसे ज़्यादा आसानी से मतलब हमारे इसमें फटने का डर रहता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें सिलाई को थोड़ा मजबूती से कर लेना है। हमने इसमें अब फिटिंग का निशान भी लगा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे गैदर, तो सबसे पहले हम इसको हल्का सा ऊपर से एक एक पैर के अकॉर्डिंग इसमें हम एक राउंड सिलाई लगा देंगे। इसको हमने एक एक पैर के अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसमें हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे इतना कि इसमें हमारा एक बार गैदर और आ जाए। तो ये निशान लगा है इसके अकॉर्डिंग ही हमें फोल्ड करना है। इसमें हमें गैदर भी डालना है, तो मैं आपको निशान बता देता हूँ, करीब एक निशान इतना इतना हमें इसको एक्स्ट्रा इतने में सिलाई हमें नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें हमें गैदर डालना है। तो इस सिलाई को इस तरीके से राउंड घुमाते हुए यहाँ से यहाँ पे इसको एंड कर देना है, और इस बार ये इतने पोजीशन को हमें खुला रहने देना है, क्योंकि जब इसमें हम गैदर डालेंगे तो हमें आसानी रहेगी। फिर गैदर डालने के बाद इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो अब इसमें हमें नॉर्मली इस तरीके से ही सिलाई लगा लेते हैं वहाँ पर हमने निशान लगाया। आप भी इस तरीके से करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। इसमें इलास्टिक की आपको लंबाई वो बता देता हूँ, चौड़ाई कितनी मैंने ली है। लंबाई इसकी जो चौड़ाई मतलब ऐसे करके मैंने लंबाई ली है वो हमारी 17 इंच, तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो जितनी भी आपके आती हो। और जिस साइड से हमने खोल रखा था उस साइड से हम इसको निकाल लेंगे। हमने दूसरी साइड से निकाल लिया है इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे। ट्राउज़र बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा ट्राउज़र बन के रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तो मैंने इस वाले में हमारे गैदर नहीं लगा हुआ है, इस वाले में हमारे गैदर है, बस फ़र्क है इतना। और आप इसको देख सकते हो अच्छे से सेम ही हमारे बिल्कुल फिटिंग आई है जिस तरीके से हमने इसकी फिटिंग, बस ये है इसकी थोड़ी हमने लंबाई ऊपर से थोड़ी यहाँ से नीचे से हल्की सी आधा इंच एक्स्ट्रा रखी थी। तो आप इसको देख सकते हो बिल्कुल फिटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट ही फिटिंग आई है। तो ट्राउज़र पर रख के ट्राउज़र कटिंग करना कितना आसान है आप देख सकते हो। तो अगर आप भी घर में बैठ के इस तरीके से बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। और ऐसे नई से नई वीडियो देखने के लिए जिनने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो, मेरी सारी वीडियो जाके आप देखो। और वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में आपको मैं कुछ इंशाल्लाह स्पेशल बताऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।